अभी तक नहीं आई पापा, उसे इतनी देर आज तक नहीं हुई। हो सकता है बेटा बस खराब हो गई हो, या हो सकता है कोई कोई आ रहा हो तो रास्ता बंद हो, या फिर हो सकता है कि हेलो पापा मम्मा आज मुझे लेने क्यों नहीं आई, मैं तो कब से उनका वेट कर रही हूँ, स्कूल के सामने वाले स्टोर से बात कर रही हूँ। मरियम मरियम बेटा मरियम, आप वहीं वहीं ठहरे, मैं बस अभी लेने, स्टोर वाले अंकल तो ठीक है ना? अच्छा बस आप वहीं ठहरे, उन्हें बताया मैं लेने आ रहा हूँ, एक मिनट बस, आप रोइए नहीं, बस बस आया अभी आया, चलो आओ बेटा। मरियम अभी तक नहीं आई पापा, उसे इतनी देर आज तक नहीं हुई। हो सकता है बेटा बस खराब हो गई हो, या हो सकता है कोई कोई आ रहा हो तो रास्ता बंद हो, या फिर हो सकता है कि हेलो मरियम मरियम बेटा मरियम, आप वहीं वहीं ठहरे, मैं बस अभी लेने, स्टोर वाले अंकल तो ठीक है ना? अच्छा बस आप वहीं ठहरे, उन्हें बताया मैं लेने आ रहा हूँ, एक मिनट बस आप रोइए नहीं, बस बस आया अभी आया, चलो आओ बेटा। जिसकी चाहो मुझे कसम ले लो, खुदा की कसम बस स्टॉप पर चकराकर गिर गई थी मैं। कोई सोशल वर्कर टाइप औरत थी, बेचारी मुझे हॉस्पिटल ले गई, 2-3 घंटे बेहोश रही हूं मैं। मेरी बात का एतबार क्यों नहीं करते हो तुम?
अच्छा क्यों लगाई है मेरी ड्यूटी बच्चों को लाने ले जाने के लिए? अपने और मेरे खानदान में देखो ऐसी कौन सी औरत है जो बच्चों को लाने ले जाने के लिए आया बनी हुई है? हजार बार तुम्हें बता चुका हूँ इस मामले में मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकता, नहीं सुपुर्द कर सकता अन्य वैन वालों के। पूरी दुनिया के बच्चे स्कूल बसेस में जाते हैं, अगर तुम्हें अपने बचपन के हवाले से कोई बुरा तजुर्बा है तो क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी बातों को इतना संजीदा मत लो परवेज, बसों का सफर थका देता है मुझे, अपने हवासों में नहीं रहती हूं मैं। अच्छा सॉरी, मिलती तो मैं मुझे सियात गुजार बीवी बोलो। बहुत बिगड़ा होगा तुम पर, चांटा मारा तो था आपके सामने, अंदर जाकर गुस्सा कम हो गया था उसका। कितनी देर बैठी तुम उसके पास? अपनी बातों के रेशे में उलझा लेता है वो मुझे, बस ये घड़ी रुक जाओ। अच्छा 5-7 सेकंड और, बस इस घड़ी और 5-7 सेकंड में कई घंटे गुजर जाते हैं। मैंने कहा उसे कि अगर मेरे साथ की इतनी जरूरत थी तो शादी क्यों नहीं की मुझसे। फिर क्या कहा उसने? वो शादी पर यकीन नहीं रखता, उसकी मां भी बगैर शादी के किसी मर्द के पास रही और उसने सिराज के जहन में यह बात बिठा दी कि शादी मोहब्बत को ताबूत में दफन कर देती है। बड़ा आजाद और मनमौजी है वो, बिल्कुल आजाद हवा की तरह जिसको गिरह नहीं लगाई जा सकती। बड़ा बेबाक सा है वो,